गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी जोन जीएस के। तो बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट जो आज का वो है कि बीटी यूपी ने विषम सेमेस्टर 2022-23 के लिए शैक्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि शैक्षिक कैलेंडर से ही पता चलता है जो हमारी कक्षाएं हो कब से प्रारंभ होगी, यानी आपका पाठ पठन पाठन, ठीक है, यानी कि जो युवक काउंसलिंग के थ्रू फर्स्ट सेमेस्टर में जो एडमिशन लेंगे उनका, ठीक है, और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का जो कक्षाएं हैं वो कब से प्रारंभ होंगी, इसी कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमको पता चलता है। तो दोस्तों, बीटी यूपी के तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है जो 26 जुलाई 2022 को जारी हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं 26 सात 2022 को, ठीक है, ये नोटिस जारी हुआ है सचिव की तरफ से, बीटी यूपी के सचिव जी की तरफ से ये नोटिस जारी हुआ है, यानी कि आज ही के दिन ये नोटिस जारी हुआ है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लिखा है विषय, आप देख सकते हैं विषय में लिखा है विषम सेमेस्टर परीक्षा दिसंबर 2022 हेतु शैक्षिक कैलेंडर के निर्धारण के संबंध में, ठीक है। तो यहाँ देखिए लिखा है, महोदय उपरोक्त विषय विषम सेमेस्टर का सत्र दिनांक 1 अगस्त 2022 से प्रारंभ हो रहा है। विषम सेमेस्टर परीक्षा दिसंबर 2022 हेतु परिषद द्वारा परीक्षा के संचालन के संबंध में प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। प्रक्रिया निर्धारण शैक्षिक कैलेंडर पत्र के साथ संलग्न करते हुए निर्देशित किया जाता है कि शैक्षिक कैलेंडर में अंकित कार्य योजना हेतु निर्धारित कार्यविधि का अक्षरशः पालन करना अनिवार्य है। जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि आपकी जो कक्षाएं हैं सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर की जो कक्षाएं हैं वो 1 अगस्त से पहले अगस्त से प्रारंभ हो रही हैं। चलिए सीधे हम लोग कैलेंडर पे पहुंचते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप कैलेंडर देख सकते हैं, एक मिनट। जी हाँ, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो रहा होगा, विषम सेमेस्टर परीक्षा 2022-23 हेतु निर्धारित समय सारणी, ठीक है, समय सारणी है यहाँ पे, देख लीजिए, ठीक है। आगे यहाँ पे लिखा है कार्य विवरण, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है विषम सेमेस्टर पठन पाठन एवं अन्य क्रियाकलाप, निर्धारित समयावधि है 1 अगस्त 2022 से 7 दिसंबर 2022 तक आपकी क्लास चलेंगी। जैसा कि आपको पता था, हमारा सेमेस्टर बिल्कुल ही पीछे जा रहा था, चूँकि इस बार सेमेस्टर में पूरा बदलाव कर दिया जाएगा और पुनः पहले की भांति सेमेस्टर वाइज क्लास अच्छी तरीके से ढंग से चलती रहेंगे। वार्षिक पठन पाठन यानी कि जो फार्मेसी वगैरह वगैरह करते हैं, जो इनका वार्षिक रहता है, उनकी क्लास भी 1 अगस्त से ही स्टार्ट हो रही है। और न प्रवेशित छात्र यानी कि जो अभी काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेंगे फर्स्ट सेमेस्टर यानी फर्स्ट ईयर वालों का, छात्रों का जो पठन पाठन होगा वो 15 सितंबर से, ठीक है, प्रारंभ होगा, क्योंकि इस बार जो पेपर हुआ काफ़ी लेट हुआ है, तो इसलिए जो पेपर नौ जो युवक है यानी कि जो बच्चे जो स्टूडेंट, ठीक है, इस बार फर्स्ट सेमेस्टर में प्रवेश लेंगे, ठीक है, उनका जो पठन पाठन होगा 15 सितंबर से उनकी क्लासें चलेंगी। और नव प्रवेशित छात्र छात्राओं नामांकन यानी कि जो इनरोलमेंट नंबर होता है वो जो क्रियाकलाप होगा वो 15 अक्टूबर 2022 से 10 नवंबर 2022 तक वो क्रियाकलाप चलेगा, ठीक है। परीक्षा फार्म बाकी आप जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे देख सकते हैं, आपके हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रयोगात्मक परीक्षा कार्यक्रम, ठीक है, ये आपका 10 दिसंबर 2022 24 दिसंबर 2022 तक ये चलेगा आपका, क्या, प्रयोगात्मक परीक्षा। सैद्धांतिक परीक्षा जो है आपका 26 दिसंबर 2022 से 12 जनवरी तक चल सकता है, ठीक है, चल सकता नहीं चलेगा, ठीक है। सिंपल यही था, और जो अपडेट दिया गया है बीटी भी कह रहा है, ठीक है, कड़ी से कड़ी मतलब इसका पालन किया जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि फेक न्यूज है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। बीटीवीपी सचिव जी का यहाँ पे मुहर लगा है, सब कुछ है। बाकी मैं विवेक मौर्य सर जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनके थ्रू मुझे ये अपडेट मिल पाया है। और बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, कि प्रक्रिया निर्धारण शैक्षिक कैलेंडर पत्र के साथ संलग्न करते हुए निर्देशित किया जाता है कि शैक्षिक कैलेंडर में अंकित कार्य योजना हेतु निर्धारित कार्यविधि का अक्षरशः पालन करना अनिवार्य है, ठीक है। जो भी कैलेंडर जारी किया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको पालन करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो सत्र है शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट था, तो इस वीडियो में बस इतना ही।